हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे तीन स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो गिरते मार्केट में भी आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो पहला स्टॉक बहुत ही लाजवाब, और दोस्तों उसका बिजनेस मॉडल आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे, खुद ही आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं, ये कंपनी तो मेरे पोर्टफोलियो में कंपलसरी होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों आपके सामने, आपको थोड़ा महंगा तो दिखेगा, इसलिए ये महंगा दिखेगा दोस्तों क्योंकि इसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। तो इसका बिजनेस मॉडल मैं आपको सबसे पहले आपको समझा देना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो कंपनी है ये इंगेज है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ये प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये कस्टमर को नहीं, कंज्यूमर को खींचती है। कस्टमर बाद में आते हैं, कंज्यूमर पहले आता है जो दोस्तों कंज्यूम करता है। अब कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? कस्टमर जैसे कि आपके कोई पेरेंट्स है या कोई भी बड़े लोग हैं जो मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद मार्केटिंग करके घर लाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो लाते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, कस्टमर, वो कस्टमर होते हैं, वो जाते हैं खरीद के लाते हैं। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है दोस्तों? पूरा फैमिली गए एक लोग, लेकिन उसको कंज्यूम कितने लोग किए? चार या पांच लोग। तो ये दोस्तों जो ये जो कंपनी है ये डायरेक्ट जो है कंज्यूमर पे वार करती है, मतलब कि इसका मतलब डायरेक्ट हार्ट पे वार करता है और डायरेक्ट वहां से जो है अपना प्रॉफिट खींच लेता है। प्रॉफिट के मामले में देखिएगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते 105% का रिटर्न दिया दोस्तों, 105% का 1 ईयर के अंदर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों आंख बंद कर लीजिए, जो भी बंद करना है ठीक है, आंख बंद कर लीजिए। एफएल इंडिया को आपको हर एक प्राइस पे खरीदना है, अभी देख सकते हो 1800 के आसपास चल रहा है, आंख बंद करके खरीद लो भाई, इतना अच्छा चीज दोबारा नहीं मिलता। देखो हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि हम क्या खरीद रहे हैं, हमें ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि हम मतलब किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, प्राइस देख के नहीं, वजह देख के खरीदना है, कंपनी का वैल्यूएशन देख के खरीदना है। तो भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ, बच्चों की तरह खरीद लो, नहीं तो आने वाले दिनों में इतना आपको तकलीफ होगा और सोच सोच के सोचोगे कि खरीद लेता तो आज के डेट में मेरे पास अच्छा से अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ, कैपिटल के साथ आपको प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो ये वो कंपनी है दोस्तों जो फ्यूचर में जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा ये कंपनी जो है आगे बढ़ेगा। आप चाहे कोई भी आपके फैमिली में अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो दोस्तों उसको एडवर्टाइजमेंट करना कंपलसरी है, किसी भी चीज़ में आप देख लो, कंपनी प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा मेंटेनेंस और ध्यान देती है दोस्तों कहाँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अगर आप टीवी भी देखते हो तो वहां पर आपको 2 घंटे का मूवी 3 घंटे में आपको कंप्लीट करके दिखाया जाता है। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है? 1 घंटे का आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता, वो होता है दोस्तों कंज्यूमर क्या ध्यान खींचने वाला, ठीक है। तो ये कंपनी का दोस्तों बिजनेस मॉडल बहुत खतरनाक है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, देखिए मार्केट तो बहुत पॉजिटिव था सुबह में जब ओपन हुआ था, तो दोस्तों पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों निफ्टी भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ, तो ये स्टॉक भी दोस्तों धीरे धीरे जो है नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देख ले तो ओपन डायरेक्ट कितने पर हुआ था दोस्तों, 1860 रुपीज़ पे, और 1700 के आसपास ये क्लोज हुआ था येस्टरडे, ठीक है। और यहाँ हाइएस्ट कहाँ गया था दोस्तों, 1947, मतलब कि दोस्तों 100 पॉइंट का जंप लगा दिया था, 100 पॉइंट का जंप लगा दिया था, ठीक है। लोएस्ट गया है दोस्तों 1756। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल को अगर ये 200 या 300 भी गिर जाता है ना, मान लीजिए कि आज के डेट में कितना है 1800, कल को अगर दोस्तों ये 1600 या 1500 में मिलता है तो मतलब छोड़िएगा मत, इतना स्पीड आप मतलब खरीदेगा कि बहुत अच्छा तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत ज्यादा और डेली डेली जो है मार्केट में गिरावट होते जा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ये भी बोल रहे हैं कोरोना वायरस के वजह से, कुछ अपना अपना है दोस्तों कि इन्वेस्टर ने यहां से पैसा निकाल लिया, तो सबका अपना अपना राय है। तो मैं बोलूंगा कि आप क्या खरीद रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना है, कितना खरीद रहे हो और किस प्राइस पर खरीद रहे हो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर आपने अच्छी चीजों को खरीदा है तो आने वाले दिनों में बिल्कुल आपको बेहिचक प्रॉफिट निकाल के देगा।
और दूसरा स्टॉक है जेके सीमेंट। अगर आपको फ्यूचर में अच्छा से अच्छा और बेटर फैसिलिटी चाहिए तो आपको सीमेंट का प्राइस कल को अगर डबल भी हो जाए ना तो वो खरीदना है, क्योंकि वो हमारा नीड्स है, वांट नहीं है। तो उसके वजह से दोस्तों सीमेंट का प्राइस में मैंने एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाया है जो मतलब मिडिल में है, ना ही ये दोस्तों टॉप में है एसी सीमेंट के जैसे, ठीक है, और ना ही दोस्तों बहुत सारे हैं अंबुजा सीमेंट है, एसी सीमेंट है, उनके जैसे ये बड़ा स्टॉक नहीं है, ना ही दोस्तों छोटे छोटे स्टॉक, मान लो कि दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट में बोलना चाहता था, अंबुजा सीमेंट नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसी सीमेंट है, उसके बाद दोस्तों अंबुजा सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, तो जेके लक्ष्मी और अंबुजा जैसे क्या आते हैं लोअर लेवल में थोड़ा आ जाता है उनका प्राइस, क्योंकि थोड़ा कम है, और दो अल्ट्राटेक सीमेंट है दोस्तों वो बड़े में आ जाते हैं। तो हमें किसको चूज करना है, मिडिल वाले को। वो कौन है दोस्तों, यहां पर देख लो जेके सीमेंट, ठीक है, ऐसे स्टॉक को आपको दम भर खरीदो भाई, दम भर खरीदो। मार्केट अगर कल को थोड़ा बहुत और भी डिक्रीज होता है तो मैं बोलूंगा उसके वजह में आपको क्या होगा, ये थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, लेकिन क्या करना है आपको, खरीदना है, छोड़ना नहीं है, क्या करना है, वन मोर टाइम खरीदना है। ये वो स्टॉक है दोस्तों जो आपको लॉस नहीं प्रॉफिट देगा, लॉस नहीं देगा प्रॉफिट देगा, ये ऐसे स्टॉक हैं। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए मार्केट कम से कम एक सप्ते से गिर रहा है, ठीक है, 1 वीक से दोस्तों मार्केट में गिरावट ही गिरावट देखी जा रही है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक बहुत मतलब गिरता ही नहीं है, ठीक है, गिरता भी है तो नाम के लिए गिरता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये स्टॉक देखिए 1500 के आसपास है, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ देख लीजिए अभी भी ये डटा है दोस्तों किस पे, 1400 के आसपास, इसने देखिए एक बार लोअर लेवल बनाया था 1300 के आसपास, लेकिन मार्केट दोस्तों जैसे ही पॉजिटिविटी आया आज, जैसे मार्केट ओपन हुआ था निफ्टी दोस्तों 200 पॉइंट में था, ठीक है, 200+ में था, तो यहाँ पर ये भी देखिए दोस्तों 329 से यहाँ पर देख लीजिए हाईएस्ट बना दिया 1424, ठीक है, तो ये गिरावट जो है ये इसके लिए नाम की गिरावट है, काम की गिरावट नहीं है। ऐसी गिरावट तो दोस्तों ये पहले भी चल चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर प्राइस देखेंगे तो ये भी दोस्तों है यहाँ पर 1426 रुपीज़ के आसपास था हाईएस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए ये जो गिरावट मारा है, ये जो गिरावट मारा है 1300 के आसपास, तो 1300 1400 के ये 100 पॉइंट का गिरावट तो ऐसे भी मान लीजिए कि रिकवरी के मोड में आ जाता, ठीक है, और ये कभी कभी देखिए थोड़ा बहुत गिरावट तो आ जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं दोस्तों इसका लॉन्ग लाइफ के लिए 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं ये कैसा है। तो हाँ, अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है दोस्तों अप ट्रेंड में ही जा रहा है, अप ट्रेंड में ही जा रहा है, ये 700 का स्टॉक हुआ करता था, देख लीजिए 700 का, आज के डेट में दोस्तों 1400 का मिल रहा है, तो समझ जाइए कि आपका पैसा तो डबल है। जो स्टॉक आपका पैसा डबल कर दे रहा है 1 साल के अंदर, वो स्टॉक बहुत ही अच्छे और क्वालिटी वाले होते हैं, बहुत कम और रेयर मिलते हैं ऐसे स्टॉक। और ये लास्ट वाला स्टॉक है दोस्तों दीपक नाइट्रेट, ठीक है, ये आज के डेट में भी आप देख सकते हो दोस्तों एक सप्ते से मार्केट में इतनी तेजी से गिरावट हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये अपोजिट जा रहा है, मतलब मार्केट गिर रहा है तो ये किधर जा रहा है, अपर मूवमेंट में जा रहा है। आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 12 या 13% का अपर सर्किट था, 12 या 13% का अपर सर्किट था, यहाँ पर मैं इसका हाईएस्ट दिखा देता हूँ, 524 रुपीज़ के आसपास इसने जो है हाईएस्ट मारा था, ठीक है, ओपन हुआ था 480 के आसपास, ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा अभी, देख लीजिए दोस्तों 9% का जो है प्लस में दिखा रहा है दोस्तों, ये 14% के आसपास गया था। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि आप तो एक दिन पहले बता देते हो, लेकिन इसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक को ढूंढना जो आपको रिटर्न तो दे लेकिन अच्छा रिटर्न दे, बहुत कम मिलता है ऐसे स्टॉक, और देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो आपके सामने आ चुका है दोस्तों, देखिए थंबनेल में मैंने साफ साफ लिखा था कि केवल 5000 रुपया लगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी, 5 जन्म में भी ऐसा शेयर नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था वो भी मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रूफ दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बताया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हो दोस्तों ये जो 21 फरवरी को वीडियो अपलोड मारा गया था, 21 फरवरी को, ठीक है, कहाँ बताया गया था, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आपको बताया गया था, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ जो तो मैंने वीडियो बनाया था। हेलो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और कभी मैं मान लो कि 1 महीने या 2 महीने बाद उसको देखता हूं तो लॉस में नहीं प्रॉफिट में मिले, ठीक है, मतलब। तो देखिए मैंने क्या बोला, डायरेक्ट बोला दोस्तों कि अगर आप 1 महीने 2 महीने, मैंने इसीलिए मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मैं किस लिए बना रहा हूँ दोस्तों, 3 स्टॉक फॉर लाइफ टाइम, मतलब ऐसे स्टॉक को आप जो है लाइफ टाइम रख सकते हो। तो यहाँ देखिए इस वीडियो में भी मैंने यही बोला कि आप 2-4 महीने जितना भी आप रखना चाहते हो रख लीजिए, लेकिन आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रांग मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो स्टॉक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। भले ही वो थोड़ा टाइम ले लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट तो दे ही के जाता है, ठीक है। तो ये वो स्टॉक है जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, दम भर दम भर। अगर एक दो खरीदोगे तो कुछ प्रॉफिट नजर आएगा नहीं, दम भर खरीदो भाई, तब जाके आप अच्छा से अच्छा, कम से कम करोड़पति नहीं बन पाओगे, लखपति तो बन जाओगे। तो यहाँ पर आपने सुना दोस्तों, मैंने साफ साफ बोला कौन सा स्टॉक है, ये स्टॉक है। आप एक दो नहीं, कम से कम दोस्तों आप दम भर खरीदो, दम भर, समझ रहे हो ना। अगर आप इतना ज़्यादा खरीदोगे तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्टॉक में मैंने आपको बताया था दोस्तों, वीडियो आप देख सकते हो कब अपलोडेड था, 21 फरवरी को। आज दोस्तों मार्च है, ठीक है, 2 मार्च है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक पे आपको पूरा ध्यान देना। अभी देख लीजिए जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 480 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका देख लीजिए फंडामेंटली आपको दिखाते हैं ये स्टॉक कैसा। तो रहने दीजिए दोस्तों, फंडामेंटली तो मैंने पहले ही बता दिया था, और आज के डेट में आप देख सकते हो, इसका देख सकते हैं 3% का अपर सर्किट लगा है। तो आप चाहते हो दोस्तों कि एक दिन पहले पता चले और आपको अच्छा से अच्छा फंडामेंटली स्टॉक, मतलब कि देख लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, मतलब कुछ कुछ ऐसे छोटे स्टॉक हैं, इसमें आप पैसा लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन फाइनली वो नीचे ही चला जाता है, ठीक है। ऐसे स्टॉक में पैसा मत लगाओ, क्वालिटी वाले स्टॉक दोस्तों मैं आपको ढूंढ ढूंढ के ऐसा स्टॉक आपको ला के दूंगा, भले ही वो गिरते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए लेकिन लॉस नहीं देगा दोस्तों, लॉस नहीं देगा, ठीक है। तो आपने देखा इसमें मैंने कैसे आप लोगों को 10% निकाल के दिया, वो भी कितने दिनों के अंदर दोस्तों, मैंने फरवरी में, 21 फरवरी को मैंने वीडियो बनाया था, अभी मार्च आया, 10 दिनों के अंदर, विद इन 10 डेज मैंने आपको 10% का रिटर्न निकाल के दिखाया। अगर आप बैंक में रखते हो तो 1 साल आपको लग ही जाता। तो ठीक है, ये तीनों स्टॉक जो दोस्तों आपको अपने नज़र रखना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए बोला है। अगर थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया है जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपना स्टडी एक बार कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो दोस्तों ये जो आपका यूट्यूब है जहाँ पर आप अपने वीडियोस को देखते हैं, यहाँ पर जाना होगा आपको, ये सर्च बार में आपको सर्च मारना होगा परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, ठीक है। जैसे ही आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारिएगा आपके सामने लोगो आ जाएगा, लोगो में क्लिक कीजिए, लोगो में क्लिक करने के बाद ये वीडियोज़ आ जाएगा, वीडियोज़ में क्लिक कीजिए दोस्तों, वीडियोज़ में क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा वीडियो आ जाएगा। देख लीजिए 41 मिनट्स पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड मारा, यहाँ तक कि दोस्तों ये भी बता देगा कि 1 डे अगो मतलब एक दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, सारा यहां पर आपको बता देगा, 2 दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही यहां पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने बोला था इंडिया बुल हाउसिंग का लेटेस्ट न्यूज है, आप देखिए 10 घंटे पहले, मतलब अभी देखिए 6-7 o'clock होने वाला है, मतलब कि दोस्तों मार्केट ओपन होने से जस्ट पहले, ठीक है। तो मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाऊं। हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। है लेकिन दोस्तों उसका रीजन रीजन भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में ही, मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग, जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है 279 रुपीज में, अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 11% का इसमें जो है गिरावट देखा गया है दोस्तों, 11% का गिरावट खत्म, 11% का रिकवरी शुरू। आप लोगों को क्या करना है, दम भर खरीदना दोस्तों, एक भी शेयर छूट ना जाए, मतलब जो भी हो भाई। तो ये तो आपको फिक्स है दोस्तों, जो चीज में मैं कंफर्म रहता हूं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि आपको खरीदना। बहुत सारे लोग ऐसे भी वीडियो बनाते हैं और बताते हैं आप ऐसे स्टॉक को खरीद सकते हैं, इसमें ज्यादा चांस है, ये हो सकता है कि आपको प्रॉफिट दे। दोस्तों ऐसा चीज नहीं करना चाहिए, लोगों को वही काम करना चाहिए जिसमें आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। मान लीजिए कि आप किसी चीज, मान लीजिए कि आप जो है कॉमर्स में एक्सपर्ट है, आप चाहते हैं कि आप बिजनेस फील्ड में जाओगे, वहां पर आपका एक्सपीरियंस और जो अनुभव है, लगता है आपको कि आप वहां कुछ ना कुछ कर जाओगे, लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छा रहोगे, ठीक है, वो अच्छा फील्ड रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब देखिए जो स्टूडेंट है उसका जहां कॉन्फिडेंस है वहां पर ही जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम शेयर मार्केट में आए हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है तो पक्का आपको लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हो उसके ऊपर आपको बिलीव ही नहीं है। उसी तरह दोस्तों मैं सारे वीडियोस में आपको बोलता हूं भाई खरीदना है तो खरीद लो, दम भर छोड़ना मत। दोस्तों 11% का गिरावट खत्म, 11% का रिकवरी शुरू। आप लोगों को क्या करना है, दम भर खरीदना है दोस्तों, एक भी शेयर छूट ना जाए, मतलब जो भी हो भाई खरीद तो लो, ठीक है ना, प्रॉफिट तो कर लो, ठीक है। देखा दोस्तों मैंने साफ साफ बोला जो भी हो भाई खरीद लो और प्रॉफिट तो कर लो, ठीक है। ये वीडियो मैंने आज सुबह में ही अपलोड किया था, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अराउंड 10 आवर्स अगो, मतलब कि दोस्तों 10 घंटे पहले मैंने बताया था। और आप भी देख लेते हैं इंडिया बुल हाउसिंग का प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे गया है।
ये देखो आपके सामने है दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग, यहाँ पर देख लेते हैं ओपन कितने पर हुआ था। तो दोस्तों ओपन ही हुआ था 7% का अपर सर्किट में 307 रुपीज में, लेकिन दोस्तों 349.75 मतलब कि दोस्तों 350 तक गया भी था। सोचिए ये आपको 350 तक गया भी था, तो इसमें भी आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिला। तो मैंने बताया कहाँ था दोस्तों, मैंने बताया था 280 में ही बताया था। तो ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुआ, पहले तो 4% अप में हुआ था, फिर उसके बाद दोस्तों जैसे मार्केट जो है गिरना स्टार्ट हो गया, उसी तरह बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो नहीं टिक पाए, आप देख सकते हो दोस्तों। लेकिन ये स्टॉक फिर भी आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे रहा था, करीबन दोस्तों आपको 12 से 13%, 12 to 13% का रिटर्न दे रहा था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिन पहले पता चले और अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले आप लोगों को, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, पेड सर्विसेज ले सकते हो। और अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऊपर वाला नंबर है दोस्तों, ये ओनली व्हाट्सअप का नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हो, जिससे हम आने वाले 1 या 2 दिन में आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।